चुप्पी पर मोदी जी कोई बात नहीं कह रहे, मोदी जी चुप्पी साधे हुए हैं। कि विपक्ष का काम है विरोध करना। सत्ता में वो होते तो उनकी सरकार में, कांग्रेस की सरकार में देश में दंगे होते थे बड़े पैमाने पर, जान माल का नुकसान होता था, कर्फ्यू लगते थे 20-20 दिन, महीना, डेढ़ डेढ़ महीना, दो दो महीने तक कर्फ्यू लगते थे। उससे तो राहत मोदी जी के राज में है ना, इसको नहीं कह रहे हैं लोग कि मोदी जी के राज में कर्फ्यू दंगे नहीं हो रहे, कर्फ्यू नहीं लग रहे हैं। इस पे तो उनको सोचना चाहिए। आज गरीबों के लिए काम हो रहे हैं तो लोगों को बुरा लग रहा है। उन्हीं के पिताजी जब पीएम थे तो उन्होंने कहा था ना कि 100 रुपया यहाँ से भेजते हैं तो 15 रुपया जाता है धरातल पे, तो उसकी निगरानी तो नहीं कर पाए। उसके बाद आप उठा के देखिए, आज सीधे खाते से खाते में पैसा जा रहा, बीच में बिचौलिया नहीं है। चाहे वो आयुष्मान कार्ड का पैसा हो, चाहे किसान सम्मान निधि का पैसा हो, चाहे राशन, जो कल तक अनाजों में कांग्रेस की सरकार में सड़ा करते थे, आज वो राशन गरीबों के घरों तक पहुंच रहा है। ये सब चीज़ें उनको दिखाई नहीं दे रहा है। आज देखना है लोगों को विकास की बात तो चले जाएं किसी रेलवे स्टेशन पर, किसी रेलवे ट्रैक पर खड़े हो जाएं, किसी सड़क पर खड़े हो जाएं, कहीं भी वो जाके देख सकते हैं। तुलना अगर करना चाहें तो अपनी सरकार से इस सरकार में क्या प्रगति हुई है तुलना करके देख सकते हैं। चले जाएं, हवाई जहाज से जाते हैं, उनको खुद महसूस होता है कि हमारे राज्य में हवाई अड्डे किस तरह के थे और मोदी राज में हवाई अड्डों का कितना बड़ा विस्तार हुआ है, वो उनको एहसास होता होगा। लेकिन चूंकि ये विपक्ष में लोग हैं तो उनका काम है विरोध करना भैया, तो वो हमेशा विरोध है करेंगे। जब मंदिर बना, भगवान राम का मंदिर बना, उसका भी विरोध इन लोगों ने किया। तो जो जिनकी जहां आस्था है तो उस आस्था पर चोट पहुंचाने वाले लोग हैं ना। हम तो कहते हैं कांग्रेस, सपा, बसपा की बड़ी सरकारें रही, बड़े मुसलमानों के हिमायती ये लोग हैं ना। एक मदरसा बोर्ड है, एक यूपी बोर्ड भी है, सीबीएसई बोर्ड है। तो इन लोगों ने, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, 40 साल यूपी में रही, सपा के 4 बार, बसपा के 4 बार, तो इन लोगों ने 4 गो यूनिवर्सिटी खोल करके मदरसा बोर्ड को वहां से अटैच क्यों नहीं कर दिया? मानता दे दिया होता और उसमें जो कमियां थे उसको सुधार करके सही कर लिए होते, उसमें पाबंदियां लगाते कि नहीं, अब बच्चे जो इसमें पढ़ेंगे, जिस तरह यूपी बोर्ड में पढ़ रहे हैं, जैसे सीबीएसई बोर्ड में पढ़े, वैसे यहां भी पढ़ेंगे। तो बच्चों को आगे ले जाने के लिए, उनको प्रगति के रास्ते पर ले जाने के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। लेकिन शिक्षा पर रोक लगाने का काम अगर किसी ने किया तो कांग्रेस, सपा, बसपा ने किया। इस बात को मुसलमान नहीं समझ रहा है, ये इस बात को समझेगा तब जब वो गर्त में चला जाएगा तब। कुल मिला के आप कहना ये चाह रहे हैं कि मुसलमानों की जो स्थिति बदतर हुई है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस और सपा की सरकार से हम कर रहे हैं। ये कांग्रेस के सरकार में अगर 4 यूनिवर्सिटी खोल करके ये व्यवस्था दे दिए होते, और जैसे आज चल रहा है कि स्कूल चलो अभियान, सरकार कह रही है ना कि इस बच्चों को लेके स्कूल चलो अभियान चला रही है, उसी तरह वो बोर्ड बना करके जो बच्चे नहीं स्कूल जा रहे थे, ठीक है, वो उसी बोर्ड में अगर पढ़ना चाहते थे तो वो वहां एक अभियान चलता ना कि स्कूल चलो, दबाव बनता। लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं। कांग्रेस के लोग तो सोच रहे कि इनको जितना अशिक्षित बना के रखोगे उतना ही हमको वोट देंगे। वही हाल सपा का था, वही हाल बसपा का, सारे लोग तो यही सोचते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सोच है, भारतीय समाज पार्टी की सोच है, एनडीए गठबंधन की सोच है कि जब सबका साथ सबका विकास की बात है तो वो भी विकास के मुख्यधारा में आवे और बच्चे पढ़ लिख करके डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बने। कोई यहां रोक नहीं है। वो निकले तो घरों से, वो नफरत छोड़ें और भाईचारा, मिलत के साथ निकलें। मोदी जी के डर से ही सही, योगी जी के डर से ही सही, एनडीए गठबंधन की सरकार में 51 बच्चे मुसलमानों के आईएएस कंपटीशन पास किए हैं। अब तो कल वो एसडीएम बनेगा, डीएम बनेगा, कमिश्नर बनेगा, ये चीज वो चाहते हैं। आज बच्चे आईआईटी, आईटी कर रहे हैं, आज बच्चे निकल रहे हैं मुसलमानों के। एक ये कांग्रेस के राज में क्यों नहीं हुआ? ये सब बहुत बोलते हैं ना, हमसे बतिया में तब ना बताए। मोदी जी इतने हितैषी हैं मुसलमानों के, लेकिन उसके बाद भी जो केंद्र में कैबिनेट बनाई गई उसमें एक भी मुस्लिम मंत्री नहीं। इतिहास जब आप लेना नहीं चाहते हो तो देगा कोई कौन? जबरी बांध के जेब में भर देगा? कोई लेने के लिए तैयार है आज के तारीख में? सबके चश्मे में खाली सिर्फ कांग्रेस दिखती है कि यही हमारा भला कर सकती है, सपा भला कर सकती है। चश्मा बदलें जरा, चश्मा बदलें तब समझ में आएगा।